मिसाल के तौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इस तरह का एक स्टार बनाओ। अब क्या होगा कि वो सारे स्टार बनाएंगे, लेकिन उन सब का स्टार इस स्टार से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इंसानी दिमाग परफेक्ट कापी नहीं बना सकता। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान के पास नए और यूनिक आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मिसाल के तौर पर जिस इंसान ने सबसे पहले व्हील बनाया था, उसके पास व्हील का आइडिया कैसे आया, या फिर वो इस आइडिया तक कैसे पहुँचा? बिल्कुल इसी तरह जिस इंसान ने सबसे पहले बल्ब ईजाद किया था, उसके दिमाग में बल्ब का आइडिया कैसे आया? मिसाल के तौर पे कई सारे और लोग भी तो एडिसन के साथ कई इन्वेंशंस पे काम कर रहे थे उस दौर में, उनके दिमाग में बल्ब का आइडिया क्यों नहीं आया? क्यों बल्ब का आइडिया सिर्फ एडिसन के दिमाग में ही आया? तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंट्यूशन यानी कि इल्हाम होता है और हमें नए आइडियाज़ आते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के गैर शौरी दिमाग में ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, बस हमें वहाँ तक पहुँचना होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक इंसान एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन में क्रिएटिविटी लेके आना चाहता है, तो क्या वो इंट्यूशन यानी कि इल्हाम का इंतज़ार करता रहेगा कि उसे इल्हाम हो और वो अपनी फील्ड में क्रिएटिविटी लेके आए? तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऑस्टिन क्ली उनकी एक किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट की मदद से 7 ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे जिन पर अमल करके आप अपने प्रैक्टिकल प्रोफेशंस में क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं और प्रैक्टिकली आप क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी ही किसी भी फील्ड में इंसान को वैल्यूएबल और यूनिक बनाती है। तो चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ, और वो है आर्ट इज थेफ्ट। पाब्लो पिकासो से किसने पूछा कि व्हाट इज आर्ट, एंड ही सेड आर्ट इज थेफ्ट एंड देयर इज अ सेइंग गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। जब भी किसी ग्रेट आर्टिस्ट से पूछा जाता है कि आप आइडियाज़ कहाँ से लेकर आते हो, तो जितने भी होनेस्ट आर्टिस्ट होते हैं उनका यही आंसर होता है कि आई स्टील देम। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी एक कंटेंट क्रिएटर को और एक आथर को फॉलो करते हैं, तो फिर आप कॉपी कर रहे हैं, फिर आप प्लेजरिज्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10 आथर्स को और 10 कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपी कर रहे हैं, तो फिर ये कॉपी नहीं होगा, बल्कि फिर ये रिसर्च होगा। बिल्कुल इसी तरह जब लोग ये कहते हैं कि ये आइडिया ओरिजिनल है, तो 10 में से 9 चांसेस इसी बात के होते हैं कि लोगों को उस आइडिया के ओरिजिनल रिसोर्सेज और ओरिजिनल रेफरेंसेस के बारे में नहीं पता होता। दर हकीकत इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ एक आर्ट है। खुद सोचें, पहाड़, सहरा, दरिया, समुंदर और दरख्त, ये सब कितना खूबसूरत आर्ट हैं। और जब चांद और सूरज दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर तुलू या गुरूब होते हैं, तो सिर्फ डान और डस के इन फिनामना से हम कितने खूबसूरत आइडियाज़ को स्टील कर लेते हैं। और जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट गुजरे हैं, वो क्या करते थे कि नेचर को और क्रिएचर को क्लोजली ऑब्जर्व करते थे और फिर वहाँ से माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ को स्टील कर लेते थे। टिप नंबर 2, आइडियाज़ जीनोलॉजी। जिस तरह हर जनरेशन में दो पेरेंट्स के जीन्स के मैशअप या रिमिक्स होने से एक थर्ड ऑफस्प्रिंग वजूद में आता है, बिल्कुल इसी तरह दो पुराने आइडियाज़ मिलकर एक नए थर्ड आइडिया को जन्म देते हैं। देखें, जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के जीन्स का रिमिक्स हैं या मैशअप हैं, और फिर आपका आई कलर, आपके हेयर और आपके ईयर लूब्स भी आपके पेरेंट्स की ट्रेड्स का रिमिक्स हैं, बिल्कुल इसी तरह वक्त के साथ साथ दो पुराने आइडियाज़ मिलकर एक नए थर्ड आइडिया को जन्म देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो लाइंस हैं, अब ये दो लाइंस हैं और ये एक पुराना आइडिया है। अब मैं कहता हूँ ये दो नहीं बल्कि 3 लाइंस हैं। अब क्या हुआ कि इन दो लाइंस ने एक और तीसरी नेगेटिव लाइंस को जन्म दे दिया। अब इन दो लाइंस के दरमियान एक तीसरी लाइन भी है, और वो है नेगेटिव लाइन। बिल्कुल इसी तरह पहले हमारे पास सिर्फ एक लाइन थी, बाद में हम उस लाइन के कम्बिनेशन को बढ़ाते गए 2, 3, 4, 5, और फिर हमारे पास उन कम्बिनेशन से नई अशकाल वजूद में आती गई। सो एवरी न्यू आइडिया इज ए रिमिक्स ऑफ ओल्ड आइडियाज। टिप नंबर 3, सेव योर थेफ्ट फॉर लेटर। कई बार ऐसे होता है कि घूमते हुए या कहीं सफ़र करते हुए हमें एकदम से कोई ना कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया आ जाता है, और हम उस आइडिया को लेकर बड़े एक्साइटेड होते हैं उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही हम अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, तो हमें याद भी नहीं होता कि वो आइडिया क्या था। तो जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोग गुजरे हैं, वो क्या करते थे कि अपनी जैकेट्स और शर्ट्स में मखसूस पॉकेट्स रखते थे, और उन पॉकेट्स में वो डायरीज रखते थे, और जब भी इनको कोई आइडिया आता था तो वह एकदम से उसको जॉट डाउन कर लेते थे। और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास स्वाइप फाइल्स, मोरगू फाइल्स या फिर स्क्रैप बुक्स होती हैं, और जब भी वो किसी इंसान की किसी चीज़ को कॉपी करते हैं या फिर किसी फिनामना को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लेते हैं, और बाद में यही फाइल्स
उनके लिए आइडियाज़ के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने पास एक डायरी ज़रूर रखें, आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को और हर वो चीज़ जो आप किसी दूसरे इंसान के पास देखते हैं और आपको अच्छी लगती है, उसको अपनी डायरी पे नोट करें और अपनी इमेजिनेशंस को स्केच डाउन करें, उसका स्केच बनाएं। तो इन सब एक्टिविटी से होगा क्या कि आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। टिप नंबर 4, फेक इट टिल यू मेक इट। देखें, इसका मतलब है कि आपको जिस तरह के आइडियाज़ और कंटेंट क्रिएट करना है, पहले आप अपने आप को उस तरह का इंसान बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आप मिकी माउस की तरह का एक करेक्टर क्रिएट करें, तो फिर पहले आपको एनिमेटर्स की तरह ज़िंदगी गुजारना होगी। मिसाल के तौर पर एक किताब है जिसका नाम है जस्ट टू किड्स। अब इसमें दो बच्चों की स्टोरी है। ये दोनों बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और ये क्या करते हैं कि बिल्कुल आर्टिस्ट की तरह के कपड़े पहनते हैं और वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में घूमने चले जाते हैं। अब वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं, उनमें एक ओल्ड कपल होता है और जो बूढ़ी औरत होती है उस ओल्ड कपल में वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इनकी तस्वीर लो, मुझे लगता है कि ये दोनों आर्टिस्ट हैं। लेकिन उसका हस्बैंड हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि ओ नो, दे आर जस्ट टू किड्स। और फिर उसी के नाम पे इस किताब का नाम भी है, जस्ट टू किड्स। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे वाकई ऐसे लग रहे होते हैं जैसा कि वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं हैं, दे आर जस्ट फेकिंग इट। तो यही होता है, पहले हम किसी भी चीज़ को फेक करते हैं, बाद में वो रियल में होने लगती है। तो इसलिए आपको जिस भी तरह के आइडियाज चाहिए, तो पहले आप उस तरह का इंसान बने, क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए आपको फुटबॉलर्स की तरह के आइडियाज नहीं आ सकते। सो फेक इट टिल यू मेक इट। टिप नंबर 5, स्टार्ट कॉपिंग। देखें, हम सब लोगों ने बचपन में अल्फ़ाबेट लिखने सीखे थे। तो कैसे सीखे थे? हम क्या करते थे कि जो हमारी बुक होती थी, हम उससे कॉपी करते थे और वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखे होते थे, बिल्कुल उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे। तो आज हम अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, लेकिन आज भी हम 100% ए बी या सी वो वाला नहीं लिख सकते जो कि हमारी बुक के अंदर प्रिंट हुआ होता है। उसकी वजह यह है कि इंसानी दिमाग परफेक्ट कॉपी बनाने से आजिज़ है। जब भी इंसानी दिमाग को कोई चीज़ दी जाती है कॉपी करने के लिए, तो वो अपनी न्यूरल वायरिंग के अकॉर्डिंग उस चीज़ में कुछ चेंजेस कर देता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। मिसाल के तौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इस तरह का एक स्टार बनाओ। अब क्या होगा कि वो सारे स्टार बनाएंगे, लेकिन उन सब का स्टार इस स्टार से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इंसानी दिमाग परफेक्ट कॉपी नहीं बना सकता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान का काम उठाएं और किसी दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत शो करना शुरू कर दें। ये तो प्लेजरिज्म होगा या फिर कॉपी होगा। जिस कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे एक मैकेनिक करता है, वो कार को खोलता है और ये जानने की कोशिश करता है कि ये कार काम कैसे कर रही है, इसका इंजन चलता कैसे है। बिल्कुल इसी तरह आइडियाज और क्रिएटिविटी की फील्ड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस आइडिया के पीछे सोच क्या थी, उस पेंटिंग के पीछे स्टोरी क्या थी। यानी कि हम स्टाइल को नहीं कॉपी करते, बल्कि हम स्टाइल से पीछे छुपी हुई सोच को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उस तरह सोचने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी अगर आप किसी एक मखसूस शख्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सारे लोग यही बोलेंगे कि आप फलाने शख्स का अगला वर्जन होगे। लेकिन अगर आप 10 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो सब यही बोलेंगे कि यू आर ओरिजिनल। टिप नंबर 6, इमिटेशन इज नॉट फ्लैटरी। अगेन, इमिटेशन का यही मतलब है कि कॉपी करना। स्टार्ट में क्या होता है कि हम अपने हीरोज़ को कॉपी करते हैं और एज इट इज़ उन्हीं जैसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर यूनिक है और हम उन्हें परफेक्ट कॉपी करने में फेल हो जाते हैं, और फिर हम उसी चीज़ को अपने अंदाज से करने की कोशिश करते हैं, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है इमुलेशन। मिसाल के तौर पर एक बास्केटबॉल प्लेयर थे कोब ब्रायंट, और गेम के दौरान उनकी डॉजेस और मूव्स माइंड ब्लोइंग थी। यानी कि इंसान उनकी मूव्स देख के हैरान हो जाता है कि यार ये इसने कैसे किया, इसने डॉज कैसे किया। तो एक साफी ने उनसे पूछा कि ये जो आपकी मूव्स हैं और जो आपकी डॉजेस हैं, ये आपने कहाँ से सीखी? तो उन्होंने बोला कि ये जो डॉजेस हैं, ये मैंने बहुत सारे प्लेयर्स से कॉपी की थी। अब मसला ये था कि मैं उनको परफेक्ट कॉपी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर उन सब से मुख्तलिफ था। तो फिर मैंने उन सारी मूव्स को अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, यानी कि पहले इमिटेशन की और फिर इमुलेशन कर ली। और यही काम हम सब लोग भी कर सकते हैं, पहले इमिटेशन करें और फिर बाद में उसमें इमुलेशन ले आए। टिप नंबर 7, क्रिएटिविटी नीड्स स्पेस। हमने कई बार ये बात सुनी हुई है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो दिन रात एक कर दें, यानी कि अपनी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को, अपनी हॉबीज़ को छोड़ के सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। मेरे ख्याल से ये बात एक कन्फ्यूजन है। देखें,
कभी भी रश करने से, तेजी और जल्दी करने से आप कामयाब नहीं हो सकते। ये सारा एक स्लो और कंसिस्टेंट एफर्ट का कमाल होता है। और मैं खुद भी इसी चीज़ से गुजरा हूँ कि जब मैं कोशिश कर रहा होता था कि मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ, लाइक वीडियोस में ही, तो मैंने ये देखा कि मेरे काम में जो क्रिएटिविटी है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसके साथ अपनी कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि आपका जो एक्स है वो शार्प होगा और फिर आप अपने काम में और ज़्यादा क्रिएटिविटी लेकर आ सकेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि आप अपने काम को पीछे कर रहे हैं। इसका ये मतलब होगा कि आपका काम आपकी पहली प्रायोरिटी पर ही है, लेकिन अपने काम में जिद्दत और क्रिएटिविटी लाने के लिए अब आपने कुछ और काम भी शुरू कर दिए हैं। अगेन, इन एक्टिविटीज़ का और हॉबीज़ का यही मतलब है कि आप जो मेन काम कर रहे हो उसके लिए आपका एक्स शार्प होता रहे और आप अपने मेन काम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी लेकर आ सकें। आप ज़िंदगी के जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं और आप ज़िंदगी की जिस भी स्टेज पे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये 7 टिप्स अप्लाई करेंगे तो आपके काम में क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाएगी। और ये बात सच है कि क्रिएटिविटी ही आपके काम को यूनिक और वैल्यूएबल बनाती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वॉच अनदर वन। वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट दैट कैन हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.